एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगी, कहानी नहीं एक कुछ चीजें हैं मेरे पास और उसको लेकर मैं आपको आज थोड़ा सा एक कहानी आपको मैं बताना चाहूंगी। ये क्या है मेरे हाथ में, बच्चों को ये बलून्स बहुत पसंद है, ठीक है। ये दो बलून है, ठीक है। अभी ये मतलब ये समझिएगा नहीं कि ये फुग्गा है, सोचिए ये दो दोस्त है, ठीक है। ये रामू है और ये श्यामू है, ठीक है। ये दो गुब्बारे हैं और ये दो दोस्त हैं। एक का नाम रामू है और दूसरे का नाम श्यामू है। रामू जो रहता है वो एक नास्तिक रहता है, वो परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो मानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता है, वो इस संसार के रीति में क्या है जीना पसंद करता है। पर श्यामू उससे विपरीत है, वो एक मसीह है, वो परमेश्वर से प्यार करता है, वो अपने दोस्त से भी प्यार करता है, वो हमेशा कहता है कि यीशु मसीह को मानो, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। रामू भी बड़ा क्या है होशियार बच्चा था, उसे ऐसा लगता था कि वो जो भी अपने जीवन में पाता है वो अपनी काबिलियत पर वो पाता था। और श्यामू भी उतना ही बुद्धिमान बच्चा था, पर वो हमेशा रामू से हमेशा डांटता था, क्योंकि श्यामू के जीवन में जो भी वो करता था तो वो हमेशा प्रभु को क्या है धन्यवाद करता था। ये देखकर रामू को बड़ा गुस्सा आता था, श्यामू से बहुत समझाने का कोशिश करता था कि तुम परमेश्वर का भय मानो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो हर सुसमाचार को क्या है वो इस रामू को बताता, पर रामू बिल्कुल सुनने में क्या है दिलचस्पी नहीं लेता था, है ना। हमारे साथ भी ऐसा होता होगा, हम भी यीशु मसीह के बारे में हमारे दोस्तों को जब कहते हैं वो सुनते हैं नहीं। पर हमें क्या करना है, हमने नामान के विषय में हमने क्या सीखा था उस छोटी बच्ची के द्वारा, कुछ भी हो जाए हमें क्या है लोगों तक यीशु मसीह के कार्यों को क्या है पहुंचाना है। अभी हम देखते हैं रामू और श्यामू के जीवन में क्या होता है। ये दोनों क्या है बड़े हो जाते हैं और रामू श्यामू से अपनी क्या है दोस्ती तोड़ देता है। रामू अपने यात्रा में चला जाता है और वो अपने जीवन में हर प्रकार की क्या है अच्छी अच्छी वस्तुओं को पाता है और वो ऊंचाइयों तक पहुंचता है, बहुत सक्सेसफुल बनता है, पर उसके जीवन में कहीं ना कहीं क्या है अकेलापन महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है उसका अस्तित्व ही नहीं है। कई बार उसको दुख लगता था कि मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मेरे पास धन है, दौलत है, हर सब कुछ है, पर मेरे अंदर क्या है उसके अंदर कुछ कमी वो महसूस करी थी। और धीरे 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 क्या होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसके अंदर प्रभु नहीं था तो उसका कोई अस्तित्व नहीं था। ये गुब्बारे के अंदर हर अहंकार था पर उसके अंदर यीशु मसीह नहीं था। यदि अगर हम देखें श्यामू का जीवन, श्यामू ने अपना जीवन में प्रथम स्थान किसको दिया था, यीशु मसीह को दिया था। उसने अपने जीवन का कवच यीशु मसीह को बनाया था, उसने प्रथम स्थान यीशु मसीह को दिया था। आंधी आया, तूफान आया, हर प्रकार का जो भी परेशानी आया, इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश किया, पर क्या है टूटता है नहीं। क्यों? इसने यीशु मसीह इसके अंदर है, यीशु मसीह ने इसको क्या है चारों तरफ से क्या है सुरक्षा प्रदान किया है, है ना। अगर हम देखें रामू के जीवन में कुछ भी नहीं है, है ना। उसको अगर आंधी आए, तूफान आए, तकलीफ आए, हर चीज इसको क्या है तोड़कर नष्ट कर दी, पर श्यामू के जीवन में यीशु मसीह था, यीशु मसीह का कवच था, इसलिए जितने भी परेशानी आई, विपत्ति आई, जितने भी प्रतिकूल अवस्थाएं, जितने भी उसको तोड़ना चाहा, वो कभी टूटा ही नहीं। यदि तुम उसको 50 बार कर लो, 100 बार कर लो, पर इसमें कोई हानि नहीं होती है। बच्चों, मैं आज आपको इस गुब्बारे के द्वारा आपको यही कहना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो जो भी परेशानी आए, दिक्कत आए,
हर चीज में परमेश्वर आपको बचाएगा। आपके जीवन में शामू के समान आपका जीवन होना चाहिए। परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य जीवन आपको जीना है, रामू के समान नहीं। अहंकार, घमंड, ये सारी बातें आपको क्या है, नष्ट कर देगी, तबाह कर देगी। यदि आपके अंदर परमेश्वर है, अगर परमेश्वर को आप अपने जीवन में प्रथम स्थान बनाते हो, तो परमेश्वर आपकी क्या है, रक्षा करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने श्यामू को रक्षा प्रदान किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी क्या है, रक्षा प्रदान करेगा। इसलिए हमें क्या है, हम अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने जितने भी आज्ञाएं हमको दी है उसका पालन करना है। हमें झूठ नहीं बोलना है। हमें हर अच्छी बातों को क्या है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है वो करना है। आपके कलीसिया के पास्टर, आपके जो भी टीचर हैं, आपके माता पिता जो भी आपको बात कहते हैं, वो हमें क्या है, उसका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर छोटे बच्चों से बहुत प्यार करता है। आप सबको परमेश्वर बहुतायत से क्या है, प्यार वो स्वर्ग से प्रदान करता है ना। हमें प्रथम स्थान किसको देना है, यीशु मसीह को देना है। आप क्या, आपको ये कहानी समझ में आया? कहानी नहीं था ये, छोटा सा आपको मैं समझाने के लिए मैंने ये कहा था। आने वाले दिनों में हमें भी क्या है, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। यदि हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर भी हमें क्या है, ऊंचा उठाएगा। हालेलुया।